Monteji, now we move on to part two of the tribute, and this time it's the beautiful half of Premnaji, none other than the gorgeous Beena Raiji. She was one of the most sought-after actress of her time, who is still considered the original Anarkali of the industry. Beena Raiji was the most beautiful actress, no questions asked. How did she enter the industry? संगीता जी, मेरी मम्मी बीना राय जी जो थी, उन्होंने लखनऊ के इजाबल थॉमस कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया और उनका हमेशा इंटरेस्ट रहा कि वो फिल्मों में आना चाहती थी। तो क्या था, एक वो फिल्म फेयर का वो कॉन्टेस्ट था मैगजीन में, वो ऑडिशन के लिए किशोर साहू एक फिल्म बना रहे थे, कालीघाटा। दोनों उन्होंने एक ऐड डाला कि उन्हें तीन लड़कियों की जरूरत है। जो मेरी मम्मी ने उसे पढ़ के मेरे मामा रमेश सिंह सरीन से उन्होंने जाहिर किया कि भाई मैं तो ऑडिशन के लिए बॉम्बे जाना चाहती हूँ। तो हमारे नाना जी बड़े स्ट्रिक्ट ऑर्थोडॉक्स फैमिली के, तो उन्होंने कहा कि मैं कैसे लेके जाऊं, बट फिर भी उन्होंने मामा जी ने मैनेज कर लिया, मम्मी को वो बम्बई ले आए ऑडिशन के लिए। और मजे की बात यह है कि ऑडिशन के लिए जो वो तीन लड़कियां थी, उसमें से एक उनकी टीचर थी, मिसेस हरीश महिंद्रा, आनंद महिंद्रा जी की जो माता जी है, जी और दूसरी थी उनकी सहेली मिसेस मोहन सहगल, आशा माथुर। तो क्या है कि मम्मी को उन्होंने सेलेक्ट किया एज द मेन हीरोइन, और वो जो मिसेस आनंद महिंद्रा जी को भी रोल मिल गया और आशा माथुर जी को, मिसेस मोहन सहगल जी को भी रोल मिल गया। अब रोल तो मिल गया मम्मी को, अब वो न्यूज़ मेरे नाना जी को कैसे बताए कि मेरे को शूटिंग करनी है। तो नाना जी ने अपना पुट इज फुट डाउन, जब बिल्कुल नहीं, कोई एक्टिंग वैक्टिंग नहीं करना है। तो क्या है, मम्मी ने घर पे भूख हड़ताल कर दिया। तो क्या वो भी बात अड़ी रही, जैसे जैसे नाना जी अड़े रहे, मम्मी भी अड़ी रही, नहीं मैं तो करूंगी एक्टिंग, मैं तो जाऊंगी। फिर कुछ वक्त गुजरा और इन दोनों में सुलह हो गई और कुछ समझौता हुआ कि नाना जी बोले मैं एक ही कंडीशन पे तुम्हें जाने दूंगा कि तुम मेरी वाइफ नानी जी को, लाजवंती जी को, तुम शूटिंग में साथ ले जाया करो। और किशोर साहू को उन्होंने बोला कि ये शाम के 6 बजे के बाद शूटिंग नहीं करेगी। और तो उनके टर्म्स एंड कंडीशन वो लोग मान गए और 1951 में मम्मी का ये दिल गाने लगा, एले बेले लाए लाए मौसम बड़े प्यारे प्यारे, तू मेरा तू मैं तेरी, वो गाना जो था वो आज तक लोगों के दिल में वो जिंदा है, एले बेले लाए लाए। लाई ला इले बेले, लाई ला इले बेले, आरे
1953 में एक फिल्म आई जिसने बीना राव जी को एक हाउस होल्ड नेम बना दिया। फिल्म इंडस्ट्री की पहली अनारकली जिसका जीवंत अभिनय एक मिसाल बन गया था। मोंटी जी, रोमांटिक सॉन्ग में सबसे ऊपर जिस गीत का नाम आता है वो है ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। बीना राय जी की मुस्कुराहट मेरे दिल में घर कर गई। वी वुड लाइक टू हियर मोर अबाउट हर रोल एज एंड इन अनारकली। देखिए, अनारकली के लिए ऐसा था, जब किशोर साहू जी अपनी फिल्म कालीगटा, जब उनकी फिल्म रिलीज हुई और मम्मी बहुत खूबसूरत दिखी उस फिल्म में, तो एस मुखर्जी साहब जो थे उन्होंने मम्मी को देखा और कहा कि हमें तो यही एक्ट्रेस चाहिए वो अनारकली के रोल के लिए। और ये जो फिल्म अनारकली थी, मम्मी की मेरे ख्याल से तीसरी फिल्म थी जी। सी रामचंद्र जी के बड़े अच्छे अच्छे गीत थे उसमें, और मम्मी का परफॉर्मेंस जो है घर घर में मशहूर हुआ, हर कोई उनका वो गाना गाने लगा, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, प्यार ही में खो गया, ये जिंदगी उसी की है। मोंटी जी, क्या आपने अनारकली फिल्म देखी? आई एम श्योर यू मस्ट हैव। इस फिल्म में गीत था जमाना ये समझा कि हम पी के आए। इट विल नॉट बी एन एग्जैजरेशन इफ आई से दैट शी लुक द मोस्ट गॉर्जियस इन हर ड्रंकन अवतार। शी प्लेड दैट रोल विद अटमोस्ट परफेक्शन। उन्हें देखकर ये लगता है कि एक ड्रंकन पर्सन भी इतना खूबसूरत हो सकता है एंड इतना एलिगेंट लग सकता है ऑन स्क्रीन। संगीता जी, दैट्स व्हाट एक्टिंग इज ऑल अबाउट। कलाकारी इसी को कहते हैं। उनके इसी किरदार की चर्चा होने लगी उसी साल 1953 में, वो फिल्म औरत बन रही थी जी। और पापा के प्यार में मम्मी ऐसे मदहोश हो गई, वो कुछ ऐसे गाने लगी कि जमाना ये समझा कि हम पी के आए, ये जमाना है समझा हम पी के आए। क्या बात है, क्या बात है। लता जी की आवाज और मम्मी का वो अंदाज लोग आज भी याद रखते हैं, जमाना है समझा हम पी के आए। मेरी तकदीर मुझे आज कहां लाई शीशा शीशा जहां मेरा ही तमाशा
मोहब्बत में ऐसे पदम डग में गाए, जमाना ये समझा के हम पी के आए, पी के आए। मोहब्बत में ऐसे कदम डग में गाए, जमाना ये समझा के हम पी के आए, पी के आए। जिसे काम हो रात दिन आंसुओं से, जिसे काम हो रात दिन आंसुओं से, उसे हुक्म ये है हंसी और हंसाई, उसे हुक्म ये है हंसी और हंसाई। जमाना ये समझा के हम पी के आए, पी के आए। 1960 was the year of achievement. फिल्म का नाम था घूंघट और एक गीत बीना रॉय जी पर फिल्माया गया था, मोरी छम छम बाजे पायलिया। पता नहीं कि लता जी की आवाज़ सुने या बीना जी की खूबसूरती देखें या शकील साहब के लिरिक्स को सराहें या फिर रवि जी के संगीत में डूब जाएं, मोंटी जी क्या घर में भी छम छम बजती थी पायलिया? जी आपने बिल्कुल सही फरमाया, घूंघट में लता जी की आवाज और मम्मी बीना जी की अभिनय का एक चोली और दामन का साथ था और लोग ये मानने लगे। मम्मी को 1960 में घूंघट फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। जी मुझे मुझे याद नहीं कि घर में पायल बजती थी कि नहीं, मैं तो उस टाइम सिर्फ 2 साल का था। बट हाँ, घर में मेरे लिए काफी छमछम बजती थी मोरे छमछम बाजे पायलिया। अगले दो गीतों को पेश करने वाले हैं वो बीना रॉय जी के लकी चार्म एक्टर प्रदीप कुमार जी के साथ पिक्चराइज्ड हैं। बीना जी ने यूं तो काफ़ी कलाकारों के साथ काम किया, लेकिन उनका जो किरदार सबसे ज़्यादा सराहा गया तो वो था प्रदीप कुमार जी के साथ। उनकी स्क्रीन जोड़ी ने बहुत बेहतरीन गीत हमें दिए हैं। व्हाट स्टैंड्स आउट द मोस्ट इज द रोज पेटल सॉन्ग, आई कॉल इट। We used to improvise. जब बचपन में थे तो पंखुड़ियाँ कुछ भी जमीन पर गिरा के उस पर बीना जी जैसे हम लोग एक्टिंग किया करते थे। खूबसूरत अल्फाज और खूबसूरत संगीत, समझ नहीं आता कि बीना जी की खूबसूरती देखें या लता जी की आवाज़ सुने, रोशन साहब का बेहतरीन कॉम्पोजिशन सराहें। संगीता, जैसे मम्मी और पापा ने साथ में 6 फिल्में की थी, वैसे ही
मम्मी प्रदीप कुमार जी के साथ उन्होंने 5 फिल्में की, अनारकली, दुर्गेश नंदिनी, हिल स्टेशन, घूंघट और इमॉर्टल फिल्म ताजमहल, जिसकी आप बात कर रही हैं। ताजमहल में ऋतिक रोशन के दादा थे रोशन साहब। रोशन साहब के गानों ने क्या रोशन किया कि अब भी मन करता है कि उस गानों को हम बार बार सुनते रहे, दोहराते रहे। पांव छू लेने दो, फूलों की इनायत होगी। वाह वाह, क्या गाना था। पांव छू लेने दो, फूलों को इनायत होगी, इनायत होगी, वरना हमको नहीं इनको भी शिकायत होगी, शिकायत होगी। क्या ब्रिलियंट कॉम्पोजिशन था रोशन साहब का। वाह 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 वाह, क्या आइकॉनिक गाना है। गोल्डन एरे के वो गोल्डन सॉन्ग्स। ताजमहल तो और भी खूबसूरत गाने थे जो उनमें, उल्फत पे और द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग, जो वादा किया हो निभाना पड़ेगा। बहुत ही खूबसूरत, मतलब मम्मी लगी थी लता जी की आवाज और रफी साहब की आवाज और वो प्रदीप कुमार जी की चाम, वो चार चांद लगा दिए गाने को। तो इमॉर्टल सॉन्ग ये मेरा, हमें उन्हें तुम्हें पुकारा, ये माना हमें तुमको जाना पड़ेगा, तुमने जब पुकारा हमको आना पड़ेगा, जो वादा किया हो निभाना पड़ेगा। आई गॉट इमोशनल। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है, जाने हया जाने अदा, छोड़ो तरसाना तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा।
आखिरी गीत है फिल्म दादी माँ से। आई थिंक बीना जी लिव्ड दैट रोल सो ब्यूटिफुली। एट अ यंगर एज शी वॉज पोर्ट्रेड एज अ मदर एंड शी वॉज सो नेचुरल। ये रियल लाइफ की माँ एंड यू हैव सीन हर एज अ रियल लाइफ मदर। संगीता जी, मुझे याद है जब वो फिल्म ताजमहल बन रही थी 1963 में, मैं कुछ 5 साल का था, मेरे बड़े भाई 10 साल के थे। हम ताजमहल की शूटिंग फेमस स्टूडियो में हो रही थी, हम वहाँ देखने के लिए गए थे। ताजमहल में मम्मी के 2 लड़के थे, बच्चे थे, और दादी माँ में भी उनके 2 लड़के थे। और वो शॉट में ताजमहल के जो 2 बच्चे थे वो हमारा नाम पुकार रही थी उन बच्चों को शॉट में, जूनियर मोंटी। और उसके उसके बाद फिर उन्होंने लास्ट पिक्चर थी उनकी राम राज्य, उसमें भी वो सीता को रोल कर रही थी, उसमें भी उनके 2 बच्चे थे, लव और कुश। तो फिल्म में बाद उन्होंने अपने रियल, वो उनकी लास्ट फिल्म थी जो उन्होंने अपना फिल्मी करियर का वो रियल लाइफ का समाप्त कर दिया था, और रियल लाइफ की मदर वो बन गई थी। और 6 दिसंबर को 2009 को उनका देहांत हुआ, ही लॉस्ट हर। मैं उन्हें बहुत याद करता हूँ। अहमा तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, अहमा तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। क्यों धूप जलाए दुखों की, क्यों गम की घटा बरसे, ये हाथ दुआओं वाले रहते हैं सदा सर पे। तू है तो अंधेरे पथ में हमें, हो तू है तो अंधेरे पथ में हमें, सूरज की जरूरत क्या होगी। ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी। तो ये था आज का प्रोग्राम प्रेम नाथ जी और बीना जी की कहानी मोंटी जी की जुबानी। थैंक यू सो मच मोंटी जी फॉर कमिंग टू आवर प्रोग्राम। It was an absolute pleasure and honor to have you here. Hope to see you back with us in future. We wish you all the best with Premnath Beenaji's grandson's YouTube channel, Major Mood Entertainment. Would you like to give a message to our audience? Bahut bahut dhanyawad, shukriya Sangeeta ji. Mujhe apne beto Adhiraj aur Arjun pe गर्व है कि वो अपने बाप दादा के नक्श कदम पे चल रहे हैं और उनका नाम रोशन कर रहे हैं। मेजर मूड एंटरटेनमेंट के जरिए मेरा यही मैसेज है सबके लिए, नसीहत है दर्शकों से, इल्तिजा है कि अपने माँ बाप के साथ खूब वक्त बिताइए, क्योंकि जब तक वो है, उनका साथ है, तब तक आनंद ही आनंद है उनके लिए भी और आपके लिए भी। बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं सबके लिए, सबके स्वास्थ्य के लिए। जय हिंद। थैंक यू सो मच मोंटी जी, बहुत खूबसूरत बात आपने कही। ये बातें भी जारी रहेंगी। होप टू सी यू बैक इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच। सभी दर्शकों से हम विदा लेते हैं। थैंक यू।